अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में ग्रीन चटनी। एक से दो स्टाइल की मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो आपने रेस्टोरेंट में लाजमी ये चटनी देखी होंगी। तो चल चलते हैं अपनी रेसिपी की जाना, वेट नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ब्लेंडर मतलब कि ले लिया है, जग को ले लिया। उसमें अंदर मैंने फ्रेश पुदीना लिया था, एक गट्ठी मैंने पुदीना लिया है और एक गट्ठी यहाँ पर मैंने धनिया लिया। ये दोनों आप चीज़ें फ्रेश ही आपने यूज़ करनी है, घर का पड़ा हुआ धनिया पुदीना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। उससे ये होता है कि कलर में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है, इसलिए आपने फ्रेश ही लेना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक चम्मच नमक और 4 से 5 मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी और 1/4 कप हम इसमें पानी का शामिल करके इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ज़बरदस्त ही हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। यह है हमारी रेसिपी नंबर 1, मतलब कि ग्रीन चटनी की पहली रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं तैयार हुई है, हरी भरी सी चटनी है। तो आप ये लाजमी ट्राई करें, रमज़ान में भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ों पर यूज़ हो जाती है, रोज़ में, ये चना चाट में, दही बल्लों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आप इसको बना के भी फ्रीज़ कर सकते हैं कि बना के आप इसको आइस क्यूब में रख के फ्रीज़ कर लें, तो आप इसको यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, मतलब कि दूसरी चटनी की जानब। इस यहाँ पे मैंने पुदीना लिया था आधी गट्ठी, हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे 3 अदरक हरी मिर्च शामिल करेंगे और 2 अदरक के छोटे छोटे पीस हम शामिल करेंगे और 1 मैंने आइस क्यूब, मतलब कि ये मैंने नींबू का रस आइस क्यूब बना के रखी हुई थी वो हम इसमें शामिल करेंगे और 1/4 कप भी हम इसमें पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और इसमें नमक भी शामिल कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये भी ज़बरदस्त हमारी चटनी तैयार है, ग्रीन चटनी बहुत ही मज़े की ये भी बन के तैयार होती है, उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये भी हम लोग दही बल्लों में, चना चाट में, किसी भी चीज़ में हम इसको रोल में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ये मज़े की बन के तैयार होती है। आप लास्ट में इस दोनों चटनी को ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में बनाएं, बना के आप इसको स्टोर कर सकते हैं रायते में, मतलब कि ये चटनी थोड़ी सी यूज़ होती है और बहुत ही मज़े की लगती है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।